हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुफ्बिनिक सिरप के बारे में बताने जा रही है। कुफ्बिनिक सिरप क्या काम में आती है, किस कंडीशन में दी जाती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुफ्बिनिक सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बताते हैं कि यह किस कंपनी का ब्रांड है। तो फ्रेंड्स, ये है एक्वा ट्रस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर MRP की बात करें तो फ्रेंड्स 98.50 रुपये की पर 100 ml की यह बोतल आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें डेक्सोमेथारफन है वह 10 mg है, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड है वह 5 mg इसमें मिला हुआ है और CPM जिसे क्लोरफेनिलामाइड हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं वह 2 mg पर 5 ml सिरप में मिला हुआ है। अब बात करें फ्रेंड्स, ये है कुफ्बिनिक सिरप किस कंडीशन में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ और साथ में कोल्ड होता है, उस कंडीशन में उसके ट्रीटमेंट के लिए यह सिरप पेशेंट को डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है, या फिर कोई भी जिससे कफ और ड्राई कफ हो या फिर कोल्ड हो तो वह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे यह कुफ्बिनिक सिरप परचेज कर सकता है। साथ ही यह एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए भी यह सिरप दी जाती है। एलर्जी के ट्रीटमेंट में जैसे कि अगर किसी पेशेंट को स्नेजिंग हो, रनिंग नोज हो, वाटरी आईज हो, आंखों में पानी आ रहा हो, नाक में पानी बह रहा हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो यानी गले का इन्फेक्शन हो, स्टफनेस नाक में पानी निकल रहा हो और नाक बंद हो, उन सभी कंडीशन में कुफ्बिनिक सिरप आपके पेशेंट को दी जाती है। यह सभी कंडीशन होने पे कुफ्बिनिक सिरप डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी डोज की, तो इसकी डोज है वह 10 ml दिन में 3 बार एडल्ट को दी जाती है, यानी एडल्ट की यह डोज 10 ml दिन में 3 बार होती है। और साथ ही अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में 5 ml दिन में 3 बार या फिर उनके बॉडी वेट के हिसाब से यह सिरप दी जाती है या डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। डॉक्टर द्वारा इसकी डोज कम या ज्यादा भी की जा सकती है, वह पेशेंट के बॉडी वेट, कंडीशन और एज के हिसाब से डिपेंड करती है। इस कफ सिरप के कुछ टेम्परेरी साइड इफेक्ट हैं। यह टेम्परेरी साइड इफेक्ट जो कुछ ही पेशेंट को लेने से हुए हैं, जैसे नोजिया और वॉमिटिंग जैसी शिकायतें इस सिरप को लेने से कुछ पेशेंट को हो सकती है, वह टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, यह परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है, तो यह इग्नोर भी किया जा सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। यह सिरप आपको कैसी लगी यह भी हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।